अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कल पूरे मुल्क में हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। कराची उलमा कमेटी ने मुल्क भर की ताजर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स से यह अपील की है कि वो एक दिन के लिए अपना कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद रखें। तो दोस्तों, इससे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहेब और दीगर अकाबल पर भी हमले हो चुके हैं और कराची में सैकड़ों उलमाए कराम को शहीद किया जा चुका है और अभी तक हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह के भी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। इससे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह जैसे बड़े अकाबर को भी शहीद किया गया था और हज़रत मौलाना यूसुफ लदियानवी रहमतुल्लाह को भी, और इसी तरह मुफ्ती सईद अहमद जालपुरी और मौलाना अब्दुल वफूर नदीम रहमतुल्लाह और मौलाना असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह समेत कराची में सैकड़ों अकाबर उलमाए किराम को शहीद किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में कल मोरखा 16 अक्टूबर रोज़े जुम्मतुल मुबारक को कराची में और पूरे मुल्क में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद रहमतुल्लाह किसी एक तंजीम के राहबर नहीं थे बल्कि वो विफाकुल मदारिस के ज़िम्मेदार और इल्मी शख्सियत थे, लेकिन इस वक्त हुकूमत इनके कातिलों की गिरफ्तारी में संजीदा नज़र नहीं आ रही, जिस पर यह एक बड़ा फैसला किया गया है कि कल पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्तों दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत डॉक्टर साहब के कातिलों को ज़लील व ख़ुवार करे और अल्लाह ताला हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन।